जय हिंद दोस्तों। रुको, मध्य प्रदेश पासिंग गाड़ी है एमपी की। रुको रुको, गाड़ी है पीछे, रुको। पीछे गाड़ी है, देखो गाड़ी कैसे पीछे हट रही है। देखिए 3718 गाड़ी, BS4 इंजन, और इससे डर कर देखो ये दूसरी लेन की। बाप रे गाड़ी, धीरे धीरे पीछे छोड़ती हुई, देखिए पीछे जा रही है गाड़ी। अब शायद ये दूसरी ले लें, जो खूबसूरत गाड़ी है बहुत, वो निकलेंगी मेरे ख्याल से। सीधी छिपे लग जाता हुआ गाड़ी गई है, और हमारे नज़र इस गाड़ी पर रहेंगी। एमपी की गाड़ी थी, अटक गई। वो जानते थे ड्राइवर, उन्होंने ज़्यादा कोशिश नहीं की, जानते थे कि ये निकलने वाले नहीं है, उन्होंने पीछे लेने का फैसला किया है। और गाड़ी पीछे जाती हुई पहले चढ़ान पे रुक गई है, लेकिन हेल्पर अभी नीचे नहीं उतरे, शायद ये और पीछे लेंगे गाड़ी। तब तक दूसरी गाड़ी जाती हुई देखो पीछे जा रही है गाड़ी। लेलैंड की दूसरी गाड़ी खूबसूरती के साथ, ये लोकल गाड़ी है, डेंजरस चढ़ान पे देख सकते हैं आप। जय हिंद लिखा है पीछे, कोना पासिंग गाड़ी महाराष्ट्र की। ये तो आसानी के साथ, इनके लोड उनके अंदर है ना, कुरकुरे का होता है, खाते हैं ना 5-5 रुपये में, तो उसमें ज़्यादातर 4 टन का लोड रहेगा। बहुत बड़ी गाड़ी रहेगी, 4 टन लोड रहेगा उसमें, 1 टन को तो हवा का ही लोड होता है। हम 5-10 रुपये लेते हैं, वो ग्राम कम रहता है, और हवा इतनी भरी हुई है अंदर, हमको लगता है फुल है क्या ऐसा है। ये कंपनियां महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादातर पाई जाती है, हवा बेचकर पैसा कमाते, ऐसी बात है। छोटे बच्चे फंस जाते हैं और बड़े भी फंस जाते हैं। ये गाड़ी देखियो, अभी बहुत दूर से लाई उन्होंने, बहुत दूर से अच्छी तरह RPM पकड़ के आई है गाड़ी, आपको बताऊं। ये स्कोर, अभी ये गाड़ी रुकेंगे नहीं शायद, RPM अच्छी तरह से पकड़ा है। लेलैंड का मशीन है देख सकते हैं आप, दूर से उठाई गाड़ी, लेकिन कार वाले अच्छे तरीके से, कार वाले ने साइड दे दी, अच्छी बात है, दूसरी तरफ से निकल गए। मैं तो आज के ज़माने में 400-500 साल राजा महाराजा हाथी पे चलते थे, और आज के ज़माने में कार वाले हाथी के जैसे ही, उनको लगता है हम हाथी पे चल रहे हैं, बहुत बड़े सूबे के मालिक है। दिमाग कैसा रहता है उनका कि रेलवे तक नीचे उतर जानी, हमको साइड देनी चाहिए, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है, अपने अपने सोच के ऊपर काफ़ी डिपेंड रहता है। इस ज़माने में राम भी है और रावण भी जिंदा है, ऐसी बात है। जय हिंद दोस्तों।